हेलो एवरीवन, आई एम हर्ष प्रसाद एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और मैं हूँ इस समय बलिया के शहीद पार्क में और यहाँ पे आया था 26 जनवरी वाले दिन घूमने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ हालांकि ये पार्क कैसा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो चलिए चलते चलो। यहाँ पे जैसे ही आप अंदर घुसेंगे सामने के सामने महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है। यहाँ पे काफी सारे लोगों के जो है नाम लिखे हुए हैं, मैं एक बार दिखाता हूँ। ये उन सभी लोगों के नाम हैं जो कि शहीद हुए थे, तो दैट इज का जो नाम है वो शहीद पार्क है। यहाँ तो लोग काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नाम दिखाते हैं। नवाजा बलिया श्री भीम, यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखा हुआ है और निवास स्थान लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो शहीद हुए थे बलिया की क्रांति में। और चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पूरी लाइन लगी हुई है। छोटे बच्चों को दिखाते हैं, ये लोग आजाद हो चुके हैं। तो इसके अलावा और ये पीछे की तरफ फिर रहे हैं तो वहां तो भी चलते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम में समर्थ गायक गीतकार क्रांति के बीज तथा संघर्ष भारत को कामयाब किया। काफी सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। श्री हरे राम चौधरी पता नहीं क्या है, एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिए। इसके आगे ये सामने है कुंवर सिंह द्वार और इस सामने की तरफ धरना। तो चलते हैं धरने की तरफ, आओ इधर आओ, चलते हैं धरने की तरफ। जगह है जहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं फोटो शूट करा सकते हैं, यहाँ पे आके आप फोटो शूट करा सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, अच्छी जगह लगी। उसके अलावा आप चलते काम उधर की तरफ आगे की तरफ आओ। अगर आप बलिया से हैं तो मैं कहता हूँ कि एक बार जरूर आइए शहीद पार्क पे। इतनी ज़्यादा बेस्ट प्लेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक बार आप आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं कैसा है कैसा नहीं। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड में राइट, हाँ लेफ्ट साइड निकल कर फोटो क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे एक बीच में एक महात्मा गांधी जी की मूर्ति एक बार वो दिखाते हैं। था यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखा जाए तो खास प्लेस तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ रहते हैं तो एक बार आके देख सकते हैं कैसी जगह है कैसी नहीं। थ्रू आउट द ईयर ये खुला नहीं रहता है, आज वैकेशन से जो जस्ट भाई ओपन है। आपको वैकेशन वगैरह जब होती है दिवाली वगैरह तो उस टाइम भी हमेशा काफ़ी अच्छे तरीके से सजा के रखा जाता है। तो आई होप कि जो वीडियो की अच्छी लगी होगी। तो अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आप आइए।
दूसरा यहाँ का गोल चक्कर है, और ये जो सामने जो रोड जाता है ये जाएगा आपका रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, स्टॉप।